ऑलराइट दोस्तों, वन प्लस नॉर्ड 3 की लॉन्च डेट को लेकर एक न्यूज़ निकल कर आई है। और जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने पिछले अपने 2-3 जो वन प्लस नॉर्ड 3 के ऊपर वीडियोस बनाए हैं उसमें प्रीवियसली मैंने एक एक्सपेक्टेड लॉन्च के बारे में बताया था कि जुलाई के महीने में दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन जो है वन प्लस नॉर्ड 3 वो इंडिया में देखने को मिल सकता है। और अब ऐसा ही दोस्तों होने वाला है। एक नई लीक्स निकल कर आ चुकी है और जिसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों वन प्लस नॉर्ड 3 जो है वो आपको जुलाई के महीने में या फिर जून के एंड तक, इसी महीने के एंड तक या फिर जुलाई के स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 वीक में देखने को मिल जाएगा। और हर बार दोस्तों ये जो नॉर्ड सीरीज़ में स्मार्टफोन आते हैं, पहला नॉर्ड था, उसके बाद नॉर्ड टू था, वो दोनों ही स्मार्टफोन दोस्तों अगर आप लोग देखें तो जुलाई के महीने में ही लॉन्च हुए थे। तो 1 साल का गैप यहाँ पर देखने को मिलता है अगले स्मार्टफोन को आने में। और अब दोस्तों अगला जो महीना है वो जुलाई का होने वाला है, तो इसी महीने में दोस्तों हमें वन प्लस नॉर्ड 3 जो है वो इंडिया में देखने को मिल जाएगा। शायद इंडिया से बाहर पहले ही लॉन्च हो जाए इसी महीने, लेकिन इंडिया में हमें ये देखने को मिल सकता है जुलाई के महीने में। तो इसके स्पेसिफिकेशंस अभी सारे जो है वो कन्फर्म नहीं हुए हैं, लेकिन जितने भी लीक्स के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। 6.67 इंचेस की इस बार आपको एक फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। 120 हर्ट्ज़ का हायर रिफ्रेश रेट होगा। हर बार दोस्तों 90 हर्ट्ज़ का ही रिफ्रेश रेट होता है, लेकिन इस बार आपको यहां पर मिलेगा 120 हर्ट्ज़ का हायर रिफ्रेश रेट। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वगैरह वन प्लस के फ़ोन में होता ही है, तो ये सारे फीचर्स तो यहां पर आपको देखने को मिल ही जाते हैं। खैर अब आते हैं दोस्तों फ़ोन के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको डायमंड सिटी 8100 वाला चिपसेट मिलेगा, जो कि काफ़ी तगड़े लेवल का पावरफुल है। यहाँ पर बड़ी गेम्स को आप बड़ी इजीली खेल सकते हैं। हालांकि पहले 2 चिपसेट के बारे में बताया जा रहा था, एक है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 और ये है डायमंड सिटी 8100। लेकिन अब दोस्तों बहुत सारे लीक्स के अकॉर्डिंग कंफर्म हुआ है कि यहाँ पर आपको डायमंड सिटी का 8100 वाला चिपसेट ही इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बैटरी फास्ट चार्जिंग की यहाँ पर बात करूँ तो 4500 mAh की बैटरी है और साथ में आपको 80W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। पहला लीक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों 150W का चार्जर यहाँ पर आपको मिलेगा ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको 80W का ही चार्जर देखने को मिलेगा। 150W का चार्जर यहाँ पर नहीं होने वाला है। बात करते हैं फ़ोन के कैमराज के बारे में, तो यहाँ पर कोई भी अपग्रेड नहीं होगा, वही सेम कैमरा सेटअप है। 50 MP प्लस 8 प्लस 2 MP। 50 MP का जो प्राइमरी है उसमें आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। एंड साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको सोनी के सेंसर भी देखने को मिलते हैं। एंड फ्रंट साइड में अगेन दोस्तों यहाँ पर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। एंड बाकी सारे अदर फीचर्स की बात करूँ, लेकिन इस बार दोस्तों यहाँ पर आपको वन प्लस नॉर्ड 3 में भी अलर्ट स्लाइडर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब कन्फर्म हो चुका है, वन प्लस ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि वन प्लस के जो वो प्रो वाला मॉडल्स होते हैं, जो सब उसकी जो मेन सीरीज़ है नंबर सीरीज़, वहाँ पर जो प्रो वाले मॉडल्स होते हैं उनमें ही आपको दोस्तों अब अलर्ट स्लाइडर मिलेगा। बाकी किसी भी स्मार्टफोन में आपको अब अलर्ट स्लाइडर देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी अपकमिंग वन प्लस नॉट 2T जो आने वाला है उसमें शायद आपको अलर्ट स्लाइडर मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो भी नॉट सीरीज़ में फ़ोन आएंगे उसमें अलर्ट स्लाइडर नहीं होगा, तो ये काफ़ी बुरी चीज़ है। खैर यहाँ पर अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में। तो हर बार नॉट की प्राइस दोस्तों 30,000 के अराउंड होती है, लेकिन इस बार स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मामले में अपग्रेड भी है, तो हो सकता है कि 30 से 2-3 हज़ार यहाँ पर आपको प्राइस ज़्यादा देखने को मिल सकती है। खैर यहाँ पर वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, लेकिन आपका क्या कहना है वन प्लस नॉट 3 के ऊपर, आप लोग वेट कर रहे हैं या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड हमारे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियोस यहाँ पर आपको डेली देखने को मिलते रहते हैं। खैर आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।